मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 28 अगस्त को इन्वेस्टर मीट होने जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर सीएम मोहन यादव को धन्यवाद किया है। बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जय विलास महल परिसर में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि 28 अगस्त को ग्वालियर में इन्वेस्टर मीट भी है जो मुख्यमंत्री ने आयोजित की है। ये ग्वालियर में बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी नींव बन चुकी है। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि अब निवेशकों को बुलाने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जिन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और ग्वालियर में 28 तारीख को इन्वेस्टर मीट के लिए तय किया गया। हमने कल की है, हमारी सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं ग्वालियर और पूरे संभाग के लिए समय सीमा में और गुणवत्ता के आधार पर क्रियान्वयन हो, यही हमारा प्रयास है। और इसमें हम सब मिलकर, जो मैंने सदैव कहा है पिछले 4 सालों से, हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, उस बदलते हुए ग्वालियर की नई रूपरेखा हमने तय भी कर दी, अब क्रियान्वयन भी हो रही है और आने वाले दिनों में ग्वालियर को आकर्षण का केंद्र हम बनाएंगे। 28 तारीख को इन्वेस्टर समिट भी है जो मुख्यमंत्री जी ने आयोजित किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने उनको निवेदन किया था कि ग्वालियर में बहुत जरूरी है क्योंकि अब हमारी नींव बन चुकी है और अब निवेशकों को बुलाने की जरूरत है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और 28 तारीख को इन्वेस्टर समिट भी ग्वालियर में होने जा रहा है।